तुम मुझे नहीं डरा सकते। इसे बंद कर दो। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें 1000 मकड़ियों के साथ 10 मिनट तक सर्वाइव करना पड़ेगा। मकड़ियों को छोड़ दो। टाइमर शुरू करो। हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैट ने कहा था कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं मैं उसे डरा नहीं सकता। तो क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, मेरा मतलब थोड़ा बहुत। हाँ। और ये उन डरावने चैलेंजेस में से एक है जिसका मैट को सामना करना पड़ेगा। अगर वो अपने डर पर काबू पा लेता है तो वो जीतेगा $800,000। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी घिनौना है। 3, 2, 1, इसे उठा दो। Oh, yeah. पहला चैलेंज कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर मैट को $800,000 का प्राइज जीतना है तो उसे ये सारे चैलेंजेस कंप्लीट करने होंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों पर पट्टी है, पर भरोसा करो और इस रैंप पर चढ़ो। इसे ऊपर उठाओ। तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? ये है क्या? खड़े हो जाओ। कम ऑन, तुम ठीक हो? नहीं। मैं आंखों की पट्टी हटा दो। दूसरे चैलेंज में स्वागत है। अगला डर ऊंचाई का डर है। तुम उस प्लैंक पर खड़े होकर इसे अनक्लिप कर देना, फिर तुम किसी भी चीज से जुड़े नहीं हो। बिल्कुल नहीं। और फिर ये बटन दबाकर 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरना और भरोसा रखना कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नहीं। तुम कांप रहे हो? हाँ, मेरा शरीर तो काफी गया ना, मैं यहाँ से नीचे गिरने वाला हूँ, वो भी बिना किसी हार्नेस के। हाँ। मुझे तो जमीन भी नहीं दिख रही। संभल कर रहना। मैक, वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, हालांकि तुम्हें जमीन नहीं दिख रही लेकिन तुम बहुत ऊपर हो। ओह माय गॉड मैक। अब तुम्हें बस इसे अनक्लिप करके उस बटन को दबाना है। ओह माय गॉड। ओके। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम मेरी आंखों में देखकर कहो कि जब मैं गिरूंगा तब मुझे कुछ ना कुछ पकड़ लेगा। कोई चीज जरूर रोक लेगी, प्रॉमिस करता हूँ। Oh my. तुम इस वक्त किसी भी चीज से जुड़े नहीं हो। Oh my God. क्लिप खुल चुका है। Oh my God. तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हार मान सकते हो और कह सकते हो कि तुम गलत थे और तुम्हें डर लगता है। यकीन नहीं होता। God, dude. वैसे कहना पड़ेगा तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। Oh my God. 5, 4, 3, 2, 1. Good luck, Mac. Thank you. 0. क्या बात है? यकीन नहीं होता वो कूद गया। वो पूरा पागल है। के लिए 6 में से 3 मंजिल पर खड़ा है। तो हम पहुंच गए। Yep. तुम्हारा अगला चैलेंज। ये क्या लाए हो? एक $5 की कार और उसमें $800,000 भर दिए। जैसा कि तुम देख सकते हो ये कार उस झील की तरफ मुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि तुम चाह रहे हो कि मैं इस गाड़ी को चलाकर झील में जाऊं। नहीं, ये खतरनाक होगा। तुम देख सकते हो यहाँ कोई पेडल नहीं है, मतलब तुम इसे झील में चला नहीं सकते। हाँ, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझे क्यों लगा कि मैं इसे चलाकर झील में डाल सकता हूँ? बेवकूफ। इसीलिए हम इसे झील में ऊपर से गिराने वाले हैं। क्रेन को ले आओ। ओ ओ ओ जिमी 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 ये सच में हो रहा है? ओके। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। ठीक है मैक, दोनों कान खोलकर सुनो। जैसे ही हम तुम्हें इस झील में गिराएंगे कार तुरंत डूबने लगेगी और इसके पीछे की सीट पर $800,000 8 डफल बैग में पड़े हैं जिसके लिए तुम कम्पीट कर रहे हो। तुम इस डूबती हुई कार में से जितने पैसे निकाल पाओगे आगे जाकर सिर्फ उतने ही पैसों के लिए तुम इस वीडियो में कम्पीट कर पाओगे और तुम जितने भी पैसे छोड़ोगे उसे हमेशा के लिए भूल जाना। Oh my gosh, dude. मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि मैं डर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस एहसास के बहुत करीब हूँ। मैं समझ सकता हूँ। इसके पहले कि हम ये कार गिराएं, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम हार मानकर ये कहते हो कि मैंने तुम्हें डरा दिया तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा और हिसाब बराबर। ठीक है, समझ गया। ऑफर ठुकरा देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले से जानता था। हे नोलन, ये लो, मैं जानता था वो ऐसा ही करेगा। मैं पिछली बार सब हार गया था, वैसा दोबारा नहीं होगा। 3, 2, 1. Oh my God. गिरा दो। Hey Mac, कार के डूबने से पहले तुम्हारे पास वहां से निकलने के लिए लगभग 20 सेकंड है। मैक, कार डूबने वाली है, जल्दी करो। ओह गॉड। Oh!
डूब गई और वो भी इतनी जल्दी। ओ माय गॉड, वो आ गया, वो जिंदा है। मैक, नोलन, उससे वो बैग ले लो। ठीक है, कोई इसे पकड़ो। इस चैलेंज की डरावनी बात यह है कि हर सेकंड वो कार गहरे पानी में डूबती जा रही है, जिससे उसे देखना और उस तक पहुंच पाना मुश्किल होता जाता है। तो अगर मैक जीत की वो सारी रकम रखना चाहता है तो उसे जितनी जल्दी हो सके ये चैलेंज पूरा करना होगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काम आसान नहीं है। नोलन, यहाँ आओ, इसे लो। मैक एक के बाद एक ओह माय गॉड लगातार बैग्स निकालता रहा। मैक, तुम कमाल के हो। हर बीतते पल के साथ कार पानी में और गहराई तक डूबती जा रही है, और इसके अलावा मैक को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि उनमें से दो बैग्स को कार की पिछली सीट पर बांधा गया है। डूड, मैक एक एक्शन मूवी में आ सकता है, सच में। मेरा मतलब वो एक ओलंपिक स्विमर रह चुका है, इसीलिए ही हमने उसे ये चैलेंज दिया है। हाँ, लेकिन वो करीब 40 फीट नीचे है और पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, ऐसे में सांस कैसे रोक सकते हैं? तो एक और बैग लाया। अब इस बोट पर $7,00,000 हैं। तुम रुक सकते हो, उस बैग को झील के नीचे छोड़ दो, हम अगले वाले चैलेंज पर। ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त वो कार इस 45 फुट गहरी झील के तल पर है, जिसकी वजह से अब मैक के लिए $1,00,000 वापस लेकर आ पाना लगभग नामुमकिन है। सुनो यार, मुझसे नहीं होगा, नीचे बहुत अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो? मुझे कार नहीं दिख रही जिमी, ठीक है। ये बोट झुक रही है। वाह, तुम बहुत एथलेटिक हो। तुम्हें ये वीडियो ज्यादा पसंद आया या पिछली बार वाला? डूड, ये वाला वीडियो करीब 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें इस बॉक्स में हाथ डालकर इसमें जो भी है उसे बाहर निकालना होगा। लेकिन चैलेंज शुरू करने से पहले तुम्हें इस पर साइन करना होगा। इसमें लिखा है कि तुम्हें अगर चोट पहुंचती है तो तुम मुझ पर केस नहीं कर सकते। बस यहाँ साइन कर दो। ठीक है, हमने साइन ले लिया। इसमें क्या है, कोई जानवर या वैसा कुछ? इस बॉक्स में कुछ तो जरूर है। यहाँ पर आ जाओ, इन दो होल्स में से एक में अपना हाथ डालो। और इसमें कुछ तो है जिसे तुम्हें बाहर निकालना है। डूड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओके, जरा देखूं वो जाग रहा है या नहीं। रुको। ठीक है, शुरू करो। इसने अब तक उसे छुआ भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार उसे पकड़ने पर उसे बाहर निकालना ही होगा। तुमने निकाला है हमारा ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स बार। इसमें है बिल्कुल नई ब्रांडिंग और एक बेहतर टेस्ट वाला फॉर्मूला। चलो साथ में ट्राई करते हैं। मैं तुम पर रैम नहीं करने वाला, मैं तुम्हें अपनी सच्ची राय दूंगा। ओके, ये काफी टेस्टी है। हमारा नया फॉर्मूला ज्यादा मिल्की, ज्यादा क्रीमी है। हमारे पास है ऑल न्यू क्रंच फ्लेवर, मिल्क चॉकलेट फ्लेवर, आमंड फ्लेवर जो कि मुझे पसंद है, और पीनट बटर। ये नए और बेहतर फीस्टेबल्स बार्स अब यूएस में अवेलेबल हैं और फ्यूचर में ग्लोबली भी अवेलेबल होंगे। मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। मुझसे और इंतजार नहीं होता। ठीक है मैक, अगले चैलेंज के लिए तैयार हूं। मैं पहले भी इस रूम में आ चुका हूं और पहले भी मेरे लिए ढेर सारे पैसे दांव पर लगे। मैं एक बात बताऊं, अगर तुम मुझे अभी $5,00,000 दो तो मैं चला जाऊंगा। आपने सुना इसने क्या कहा? $5,00,000 कौन मांगता है? $4,00,000? नहीं, बात तो सुनो। अगर तुम $2,00,000 कहते या $2,50,000 कहते तो शायद मैं सोचता। ठीक है, तो फिर $3,50,000? नहीं। ठीक है, चलो चलें। अगला चैलेंज। तुमने हार मान ली। ठीक है, मैंने झूठ बोला, ये चैलेंज इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन ये अगला चैलेंज मैंने अब तक का किया हुआ सबसे खतरनाक चैलेंज है। ओ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतनी जल्दी सब कुछ समझ गए? नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते जिमी। तुम ऐसा नहीं कर सकते जिमी। क्या ये समझना इतना आसान था? कैसे समझे? इस पर तुम्हारा नाम देखकर? अरे नहीं। इस अगले चैलेंज में हम तुम्हें जिंदा गाड़ने वाले हैं 24 घंटों के लिए। तुम जब चाहे निकल सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई घड़ी नहीं होगी, और अगर तुम 24 घंटों के पहले निकले सब हार जाओगे। ये डर अच्छा है। पहली बार मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा। ठंड लग सकती है। नोलन, गड़बड़ मत करना प्लीज। मैं कोशिश करूंगा। ये एक डरावने सपने की तरह है। किसी को इस तरह जिंदा गाड़ना गलत लग रहा है, पर मजेदार भी। आराम से। ये कितना डरावना है। और टाइमर अब तक शुरू भी नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मिट्टी डालना बाकी है। कहते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम मुझे जल्दी गाड़ सकते हो? जैसा तुम कहो मैक। थोड़ी और मदद बुलाओ। रुको 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 रुको। चलो अब टाइमर शुरू किया जाए।
टाइमर शुरू होने के पहले से ही मुझे डर लगने लगा है, इसमें मजा नहीं आने वाला। मैक अपने सिर के ऊपर रस्सी देख रहे हो, क्या तुम उसे खींच सकते हो? क्या ये कोई ट्रिक है? नहीं, अगली बार जब तुम ये घंटी बजाओगे हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, और अगर 24 घंटे पूरे नहीं हुए होंगे तो तुम सब हार जाओगे, मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। और हाँ, वो $7,00,000 भी। क्या मतलब जला दोगे? सब कुछ। स्वीट ड्रीम्स मैकेट। लेकिन इस वॉकी टॉकी को फेंकना मत। उसे पहले से पता था? मैं जानता हूँ उसने उसे फेंक दिया, और मैं वहाँ ऊपर हूँ भी नहीं। मुझे खुशी है कि इस बार मैं उसके अंदर नहीं हूँ। और ये कंफर्म करने के लिए कि मैक अपने ही कब्र में ना मरे, हमने उसे ये रिस्ट बैंड दिया जो कि हमें डायरेक्टली उसका हार्ट रेट और वाइटल्स बताएगी। और नहीं, इसके जरिए वो टाइम बिल्कुल नहीं देख सकता। मतलब मुझे बस अंदाजा लगाना है कि वक्त क्या हो रहा है। ये रही मेरी स्ट्रेटेजी, मैं 2 घंटे तक जागने की कोशिश कर सकता हूँ, फिर 10 घंटा सोना, और फिर इससे आधा चैलेंज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा 2 बार करना है, बस काफी आसान है। मैक की प्लानिंग हो चुकी थी, अब उसे सबसे पहले किसी तरह 2 घंटे टाइम पास करना था। ये पिस्टेबल बार तो नहीं है, लेकिन शायद इससे मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो चुका था। सच कहूं तो इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। यही तो मैं चाहता था। और मैक का इतनी जल्दी बोर हो जाना हमें ये बताता है कि वो इसमें अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 45 मिनट्स हुए हैं और वक्त को लेकर मैक का अंदाजा बिल्कुल गलत था। मेरे हिसाब से करीब 2 घंटे हुए हैं, अब मैं 10 घंटे सोने की कोशिश करने वाला हूं, जिसके बाद ये आधा चैलेंज हो जाएगा। हालांकि सोने का फायदा ये है कि मैक के लिए वक्त जल्दी बीतेगा, पहली रात अपनी ही कॉफिन में। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि उसके लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि वो कितने वक्त से दफन है, खासकर तब जब वो 30 मिनट से ज्यादा वक्त सो नहीं पा रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि इस वक्त कितने बज रहे हैं। खा रहे थे जिमी जेम। मैंने सोचा कि मुझे मैक के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। उठ जाओ मैक, तुम ठीक हो? वो लगता है जैसे तुम्हें किसी ट्रक ने ठोकर मारी हो। मुझे भी लगता है मुझे किसी ट्रक ने ठोकर मारी है। अगर मुझे गैस करना होता कि मुझे यहाँ कितने घंटे हुए हैं तो मैं कहूँगा। मैक ने कॉफिन में जितना ज्यादा वक्त बिताया उतना ही ज्यादा वो वक्त को लेकर गलत था। मेरे ख्याल से अभी 16 घंटे हुए हैं शायद। और क्योंकि मुझे इस चैनल पर सस्पेंस बढ़ाने में मजा आता है, इस चैलेंज के खत्म होने तक मैं आपको भी पता नहीं चलने दूंगा कि कितना वक्त बाकी है। और हालांकि मैक इस चैलेंज में 24 घंटे पूरे करना चाहता था, ये साफ था कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा था। इस कॉफिन में रहना बहुत डरावना है, मतलब ये, और यहाँ जितना ज्यादा वक्त रहूंगा उतना मुझे अजीब लगेगा। लेकिन जब हमने देखा कि मैक उस रस्सी की तरफ बढ़ रहा है, हम समझ गए कि वो घंटी बजाने के बारे में सोच रहा था। ये उस आदमी का चेहरा जो घंटी बजाना चाहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे नहीं हुए। God, मैं नर्वस हूँ। मैं पहले भी इस तरह के एक वीडियो में था जहाँ मैं कुछ भी नहीं जीत पाया, और मुझे यहाँ आने का दूसरा मौका सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत मिल पा रहा है। ये दूसरा मौका भी मिट्टी में मिल जाएगा अगर मैं निश्चित रूप से ये नहीं बता पाया कि 24 घंटे हुए हैं या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा। मैक, मेरे दोस्त भाई, कैसे हो तुम? जिमी, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं गलती से टाइम नहीं बताना चाहता तो मैं चुप ही रहूंगा। जिमी, पता नहीं तुमने ये 7 दिनों तक कैसे किया, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, वैसे तुम्हारे पैरों में खून का जाना कम होने लगा है। और तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी पीठ तुम्हारे शरीर से बाहर गिर जाएगी? जिमी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं रस्सी खींच दूँ। कुछ नहीं कहूंगा। जिमी, मैं तुम्हें $50 दूंगा, मुझे बताओ वक्त क्या हो रहा है। मैं चुप हूँ। ठीक है, शायद इतना वक्त काफी है, अपना फावड़ा तैयार रखो। ठीक है, 3। ओह माय गॉड, वो रस्सी खींचने वाला है। 2। वो तैयार है। 1। ओह, टाइमर रोक दो। और अब जब मैक अपना फैसला ले चुका है, मेरे लिए बस एक काम करना बाकी रह गया था। जब तक हम तुम्हें निकाल रहे हैं, मैं Shopify के बारे में बता सकता हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? Shopify एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो entrepreneurs को अपनी मंजिल तक पहुँचने में मदद करता है। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना मकड़ियों के साथ बंद होने या जिंदा दफन होने की तरह डरावना हो सकता है। यकीन मानो, इसमें कोई मजा नहीं है। लेकिन Shopify मदद करेगा। अगर मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं करता तो मैं अंटार्कटिका जैसी कमाल की जगहों पर जाकर आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाता। और जिस तरह अरबों लोगों ने Shopify के साथ अपना बिजनेस शुरू किया है, आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी अभी। मैक, जानना है तुम अंदर कितने वक्त से हो? मुझे लगता है कि तुम मुझे बाहर निकालने के बाद ही बताओगे। तुमने सही कहा। और अपना खुद का बिजनेस होने का फायदा ये है कि मैं अपने दोस्त को सुपर बोल में भेजने जैसा काम कर सकता हूँ। मैक, कार्ल और नोलन इन दोनों के नाम के फुटबॉल सेल पर है, और जिसके फुटबॉल सबसे ज्यादा बिकेंगे मैं उसे सुपर बोल का एक टिकट दूंगा और दूसरे को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अब बस इससे फर्क पड़ेगा कि आप शॉप ऐप डाउनलोड करके किसे वोट देते हैं। आपको नोलन या काल का फुटबॉल खरीदना है, और अब मैं इस वीडियो को अफोर्ड कर पाऊंगा। तो चलो देखते हैं कि मैक $7,00,000 जीता या नहीं। बाहर आ जाओ। हे जिमी,
बाहर की दुनिया में स्वागत है। अब जब तुम कॉफिन के बाहर आ गए हो, चलो देखते हैं तुम 24 घंटों के लिए अंदर थे या नहीं। मैं जो नंबर दिखाऊंगा, अगर वो 24 से कम हुआ तो तुम 7,00,000 हार जाओगे। लगता है मुझे उल्टी हो जाएगी। 3, 2, 1 36 घंटे। मुझे डर लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैक, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ एक चैलेंज दूर हो ये सारा पैसा जीतने से। चलो चलें। शायद तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए। हाँ जानता हूँ, मुझसे बदबू आ रही है। अब तक इस वीडियो में मैक ने मुझे दिखाया कि उसे डराना बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद इस वीडियो का आखिरी चैलेंज मैक का सबसे डरावना सपना होगा। देख रहा, बिल्कुल नहीं देख रहा। अपनी आँखें बंद रखना, खोलना मत, अपनी आँखें मत खोलना, चलते रहो, मत खोलना, मत खोलना, ठीक है अब खोल दो। आखिरी चैलेंज असफलता का डर। हमने वो सेट वापस बनाया है जहाँ तुम हमारे वीडियो में $8,00,000 हारे थे, और पिछली बार की तरह नियम बहुत ही आसान है। यहाँ 4 स्टेजेस हैं। हर स्टेज पर एक कुकी है जिसमें एक शेप बना है। तुम्हें उन सब शेप्स को बिना तोड़े निकालना होगा, और अगर कुकी टूटी तो तुम $7,00,000 हार जाओगे, और खास तुम्हारे लिए ऐसा दूसरी बार हो रहा होगा। ये मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा है, मैं यहाँ खड़े रहना नहीं चाहता। अच्छा, क्योंकि मेरे पास एक ऑफर है। तुम अभी हार मान के ये $3,00,000 ले जा सकते हो, या तुम रिस्क ले सकते हो और ये आखिरी चैलेंज कम्प्लीट करके $7,00,000 जीत सकते हो। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, क्योंकि इतना काफी नहीं होगा, है ना, ये आधे से भी कम है। लेकिन अगर तुम फिर से हारे तो तुमने इस सेट पर $1.5 million खोए होंगे। पक्का ना? ओह, ये पागल हो रहा है। मैक, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें यहाँ एक फैसला लेना होगा। क्या तुम $3,00,000 लेकर यहाँ से जाना चाहोगे, या इस आखिरी चैलेंज के लिए जोखिम उठाओगे? अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। सच कहूँ तो मुझे खुशी है, मैं चाहता हूँ कि तुम सारे पैसे जीतो। अगर हम इस आईपैड पर देखें तो पिछली बार मैक को ठीक इतना वक्त लगा था इन चारों स्टेजेस को पार करने के लिए, 34 minutes and 54 seconds। तो इस बार भी मैं तुम्हें ठीक इतना ही वक्त देने वाला हूँ। चलो शुरू हो जाओ। इसे खोलते वक्त मत तोड़ना। बहुत अच्छे, इस बार ये बहुत तेज है, लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर कुकी टूटी तो ये हार जाएगा। 34 minutes। वाह, इतना जल्दी हो गया। स्कैन 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 स्कैन। आगे बढ़ो, ये पिछली बार से बहुत तेज है। मैं इस सर्कल को आराम आराम से धीरे धीरे निकालूंगा। जल्दी करो, ये बहुत अच्छा कर रहा है। इसे खोलना इतना मुश्किल क्यों है? शायद इसीलिए कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करूं? खोलो इसे। ठीक है, आईपैड पकड़ो। इसे खोलना मुश्किल है। क्या कर रहे हो? मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जरा संभल कर। देखा जाए तो मैक की स्ट्रेटेजी सही है। वो आसान शेप्स जल्दी कर रहा है ताकि अम्ब्रेला में वक्त मिल सके, जहाँ वो $8,00,000 हारा था। तुम्हारे पास अब भी 32 minutes बाकी है। हाँ, लेकिन मुझे वो 32 minutes अम्ब्रेला के लिए चाहिए। उसे करना बहुत मुश्किल है। रास्ता दो। ओ, मैं हट गया। खोलो इसे। अभी लो। चलो 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 चलो, जल्दी करो। मैक, मेरे सेट को मत तोड़ो। तो इसे खोलना थोड़ा आसान बनाना चाहिए था ना। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मेरे हिसाब से तुम्हें वक्त लेना चाहिए, क्योंकि ये जरा मुश्किल है। ये वाला काफी मुश्किल है, लेकिन अम्ब्रेला जितना नहीं, मुझे उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त बचाना है। ये कितना मुश्किल है। ओह माय गॉड, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मतलब शायद ये पूरी तरह से नहीं टूटी हो। ओके, इसके पास अब भी 29 minutes बचे थे। इसने पिछले 2 4 मिनट में कर लिए थे। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों। ओह माय गॉड, मैंने फिर से वही किया।
आओ मुझे अपना हाथ दो। नहीं जिमी प्लीज, मैं अभी नहीं जाना चाहता। नहीं जिमी नहीं, मुझे ये भी नहीं पता मुझे कैसा महसूस करना चाहिए, मतलब आ जाओ उठो। मेरे पास बहुत वक्त था। हाँ मुझे अब भी नहीं पता कि तुम इतनी जल्दी में क्यों थे। वो अम्ब्रेला, मैं जानता हूँ अम्ब्रेला में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। हाँ ओके, मैक ने मुझसे इस वीडियो में कहा था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे वो डर जाए, और उसे मकड़ियों के बीच एक डूबती हुई कार और ऐसे चैलेंजेस देने के बाद मुझे उस पर यकीन होने लगा था। थैंक यू। उसे सिर्फ एक ही चीज डराने में कामयाब हुई, अपनी खुद की असफलता का डर। लो मैं चला।